हेलो, कैसे हैं फ्रेंड्स। उम्मीद है काफ़ी अच्छे होंगे। लेआउट का जो लेआउट मेनू है उसका आज हमारा अरेंज लास्ट ऑप्शन है, लास्ट सब मेनू है। तो कल हमने पैराग्राफ के बारे में देखा था, आज अरेंज। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जब हम कुछ लिख रहे हैं, कुछ लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि अरेंज का बहुत सारा आइटम जो है वो हाइड है, वो दिखाई नहीं दे रहा है। सिर्फ सेलेक्शन पेन दिखाई दे रहा है और अलाइन दिखाई दे रहा है, बाकी दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स ये हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, जब हम इंसर्ट में कोई ऑप्शन दे रहे हैं, जैसे यहाँ पे जहाँ यहाँ पे पोजीशन वो रैप टेक्स्ट ब्रिंग फॉरवर्ड सेंड बैकवर्ड आया था, आ रहा है। वैसे ही जब हम इंसर्ट में जाते हैं और कोई पिक्चर जोड़ते हैं, कोई पिक्चर हम यहाँ से पिक कर लेते हैं, चलिए मैंने पिक्चर पिक कर लिया। जैसे ये पिक्चर पिक करते हैं तो यहाँ पे पिक्चर फॉर्मेट आता है, यहाँ पे पोजीशन वर्ड रैप और ब्रिंग फॉरवर्ड वगैरह बैकवर्ड वगैरह आ रहा है। वही चीज़ इस लेआउट में भी आता है। पोजीशन, इसका पोजीशन कहाँ रखना है आपको, आप जहाँ रखना चाहते हैं ये वहाँ पे चला जाएगा, उस पोजीशन पे आप इसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। अब इस पोजीशन के बाद आता है रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट होता है कि ये अभी रैप टेक्स्ट में है, जहाँ पे हम लिख रहे हैं वहाँ पे रैप हो रहा है, लेकिन जैसे टाइट पे आते हैं तो ये वैसे ही रहता है, थ्रू पे आते वही रहता है। टैप टॉप टू बॉटम, टॉप एंड बॉटम, फोटो टॉप पे चला जाता है, लिखा हुआ बॉटम पे आता है। बिहाइंड टेक्स्ट, टेक्स्ट के पीछे चला जाता है। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, टेक्स्ट के सामने आ जाता है, टेक्स्ट इसके नीचे रहता है। एडिट रैप पॉइंट, जो भी पॉइंट है उसको एडिट कर सकते हैं हम, यहाँ से पकड़ के इधर उधर खींच सकते हैं, देखिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है मूव विथ टेक्स्ट, जैसा टेक्स्ट होगा वैसे ही मूव होने लगेगा। और मोर लेआउट ऑप्शन में जाएंगे तो फिर वही बात है, वही रहता है, कोई दूसरा नहीं रहता है। तो हम रैप टेक्स्ट में वैसे कर सकते हैं। अब वही यहाँ पे आता है ब्रिंग फॉरवर्ड और ब्रिंग बैकवर्ड। फॉरवर्ड करेंगे तो जो टेक्स्ट होगा उसके आगे आ जाएगा, और इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने कोई दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं बिहाइंड टेक्स्ट, टेक्स्ट के पीछे चला गया। अब यहाँ से करते हैं ब्रिंग फॉरवर्ड, लेकिन ये ऐसा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर रैप टेक्स्ट पे सेलेक्ट कर लिया है, इसलिए वो ऑप्शन वहाँ पे नहीं जा रहा है, ठीक है। तो जो भी कोई भी नहीं, देखिए यहाँ पे एक और चीज़ भी बात ध्यान में देने वाली बात है, ये फोटो के लिए था, और जैसे हम इंसर्ट में आते हैं और कोई सेप इंसर्ट कर लेते हैं, अब इस सेप का लेआउट में आते हैं, और यहाँ पे जैसे हम कोई टेक्स्ट जोड़ते हैं उसके बाद आता है सेंड बिहाइंड टेक्स्ट, टेक्स्ट के पीछे चला जाता है, और ब्रिंग ऑफ फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, टेक्स्ट के आगे आ जाता है। तो ये ऑप्शन कोई ऑप्शन कोई उसके लिए है, कोई जब हम कोई डिज़ाइन इंसर्ट करते हैं या फिर कोई आर्ट इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट में जाने के बाद कोई शेप इंसर्ट करते हैं, ठीक है। लेआउट के बाद आता है सिलेक्शन पेन, वही सिलेक्शन पेन, आप क्या सेलेक्ट कर रहे हैं वही सिलेक्शन पेन है, जो सेलेक्ट करेंगे उसके बारे में यहाँ पे आने लगेगा। यहाँ से उसको हाइड भी कर सकते हैं और शो भी कर सकते हैं। उस सिलेक्शन पेन के बाद आता है एलाइन, उसको कहाँ पे एलाइन करना है आप उसको वहाँ से एलाइन कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है ग्रुप का, ग्रुप तभी होता है, इसे भी हमने देखा था, जब दो आइटम को सेलेक्ट करते हैं और इसको कर देते हैं ग्रुप। अब ये दोनों आइटम ग्रुप में हो गया, जहाँ भी जाएगा ग्रुप में ही रहेगा। आप इसको अनग्रुप भी कर सकते हैं या फिर इसको ग्रुप भी कर सकते हैं। ग्रुप करने के बाद यहाँ पे आता है रोटेशन, वही रोटेशन जैसा आप रोटेट करना चाहें। रोटेशन ऑलरेडी हमने इस मेनू का यूज़ कर लिया था इंसर्ट में, इसलिए इसमें कुछ खास नहीं है, और ये वीडियो आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। और कल हम रेफरेंस जो था वो शुरू करने से पहले फाइल का जो भी ऑप्शन है प्रिंट वगैरह उसको ख़त्म करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, थैंक यू वेरी मच।